मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने मटेरियल्स की वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियो आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको पेंसिल्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम पेंसिल हैं उनके बारे में बात करते हैं जो कि शेडिंग के अंदर यूज़ होती हैं। ये B5 पेंसिल है, ठीक है। तो ये शेडिंग में यूज़ होती है, ठीक है। जर्मनी की है, लाइरा की, जर्मनी की आर्ट डिज़ाइन पेंसिल है ये, ठीक है। इसका कोड है 669 है। तो ये हम मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और अच्छा इसका रिज़ल्ट है मेरे को लगा, ठीक है। और एक ये पेंसिल है फोर बी। तो 4B के अंदर हम जो इसका नंबर होता है, कोड होते हैं पेंसिल्स के, ये है 504, ठीक है। ड्राइंग की है ये भी। तो सबसे जो हाई लेवल की पेंसिल है वो मैंने आपको पहले बताया था, 5B है, जो कि जिसका नंबर है 699, ठीक है। तो 4B मैंने आपको शो कर दी है। उसके बाद आ जाती है बारी 6B की। 6B का जो नंबर है वो इसका कोड नंबर दे रखा है इन्होंने, वैसे नंबर नहीं है इसका, लेकिन ये शेडिंग में बेस्ट है और सबसे अच्छा रिज़ल्ट इसका रहता है शेडिंग के अंदर, ओके। तो ये सबसे अच्छी पेंसिल है, आपको मैं शो कर देता हूँ, ओके। B6। तो स्टूडेंट्स, ये आपने ले लेनी है, ओके। और ये मैंने, ये ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, ठीक है। ये नॉर्मल दुकानों के ऊपर मिल जाएगा, ये फ्लैट ब्रश है, सिंथेटिक का है। ये ब्लेंडिंग के लिए ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक आप स्केचिंग के लिए आप ये ले लेना, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है ये ब्लेंडिंग स्टंप बनाया हुआ है, ये हैंडमेड ब्लेंडिंग स्टंप है जो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो आपने ये ब्लेंडिंग स्टंप आपने बनाना है, आपने क्या करना है, एक चार्ट को रोल करके वैसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। एक ये है, आपने बना लेना है, ठीक है। मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो कि इसको कैसे बनाते हैं ब्लेंडिंग स्टंप को, वो वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने एक ये बना लेना है, ओके। तो अब ये लास्ट, ये भी ब्लेंडिंग स्टंप है, इसको थोड़ा सा मैंने नॉर्मल रोल किया है, ज़्यादा हार्ड रोल नहीं किया, और ये ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए यूज़ होता है, ओके। और ब्लेंडिंग स्टंप को बार बार साफ़ करने के लिए सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ती है। सैंड पेपर भी आप थोड़ा सा ले लो और उसके ऊपर ऐसे रफ करके इसको आप फ्रेश कर सकते हो और यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो और ये है सबसे आसान और इजी तरीका है और काम करने का और मटेरियल्स के हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप मेरी इस मटेरियल्स वीडियो को आपने देख के जो भी मटेरियल मैंने बताए हैं, चाहे वो आप एक एक पेंसिल ले लो, ठीक है, आपने लेने ज़रूर हैं। जब तक आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं होगा तब तक आप कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाओगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आप ज़रूर अपना मटेरियल ले लें, उसके बाद हम वर्क जो है वो रेगुलर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ओके।